हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीचू पाठशाला। तो आज के इस पीवाई की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जनरली सॉल्व करेंगे 2019 के पेपर को। ओके, 2020 का पेपर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर इसका आपको वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीचू पाठशाला में। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से 2020 का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्यूशन में देख सकते हैं। पूरा मैंने एनालाइज करके सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोग 2019 का स्टार्ट करेंगे और आज यहाँ पे देखेंगे कुछ एक आंसर की को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 2019 बीए में पूछी गई है और अच्छे से एनालाइज करेंगे क्वेश्चनों के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जो कि बीचू पाठशाला ऐप के माध्यम से चलती है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ये ऐप, उस पे चलती है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, या आप बीचू पाठशाला ऐप पर जाके हमारे कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये एक्चुअली पेपर जो होता है वो व्हाइट होता है, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। ओके, तो मैं इसको जूम करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको मैं पूरा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करके पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ, ओके क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज चीफ मिनिस्टर। किसी भी स्टेट का अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है ये 25 है, इस पर आप मत जाइएगा, ये 25 होगा सही आंसर। ओके, यानी 25 साल इसका सही आंसर होगा कि किसी भी स्टेट का अगर हमें बनना है प्राइम मिनिस्टर तो हमारी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। चलिए स्टेट इनके बारे में हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। तो इनके बारे में अगर हम कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। अगर चीफ मिनिस्टर की बात आएगी, ओके, कहीं भी चीफ मिनिस्टर की बात आएगी, मुख्यमंत्री की बात आएगी, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल। एक स्टेट काउंसिल होगी, यानी स्टेट काउंसिल होगी और उसको हेड जो करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, उसको हेड करेगा, यानी उसको उसका जो चीफ होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और ये मुख्यमंत्री किस लिए होगा, स्टेट काउंसिल किस लिए होगी, ये गवर्नर को सहायता देने के लिए होगी। गवर्नर यानी राज्यपाल को सहायता देने के लिए स्टेट काउंसिल का गठन किया जाएगा, राज्यपाल को सहायता देने के लिए। तो ये चीजें लिखी है आर्टिकल 163 में। और इसके बारे में फैक्ट आपको जानना है चीफ मिनिस्टर को, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। गवर्नर, ओके, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, गवर्नर जो होते हैं जो सेंट्रल द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं वो अपॉइंट करते हैं मुख्यमंत्री को। और उसके बाद और भी जितने मिनिस्टर्स होते हैं आपके स्टेट में वो मुख्यमंत्री के एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। गवर्नर उन्हें खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है, गवर्नर के प्लेजर पे और मुख्यमंत्री के एडवाइस पे वो गवर्नर द्वारा और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए होती है, 25 साल। आप 25 साल हैं तो आप मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए इलिजिबल हैं। तो आई होप चीफ मिनिस्टर के लिए आपको इतने फैक्ट्स क्लियर हुए। ये फैक्ट्स आपको याद रखनी, ये फैक्ट्स आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इन फैक्ट्स को बताया है। तो ये फैक्ट्स आप इजिली याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं अगर आपको आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं जूम करूं, ओके, अगर इस क्वेश्चन को मैं जूम करूं, ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, करंट का क्वेश्चन था इसलिए आपको जानना नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य है ये तमिलनाडु में है। आपको कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु के और भी जितने अभयारण्य है उनको बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको और भी बताना है। तो ये क्वेश्चन था कि ये द स्पीसीज ऑफ वुड स्नेक, यानी वुड स्नेक एक स्पीसी है, वो कहाँ, किस लंबे, जो लंबे समय तक नहीं देखी गई है, कहाँ पुनः देखी गई थी, तो वो था तमिलनाडु का मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, जहां पर ये जो है स्पीसीज वुड स्नेक देखी गई थी। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ संस्कार इन एंशिएंट इंडिया। क्वेश्चन है नंबर ऑफ संस्कार, प्राचीन समय में अभी भी होते हैं लेकिन अभी कोई उतना गौर नहीं करता है, तो प्राचीन समय में संस्कार होते थे। ओके, संस्कार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं जूम कर दिया है। तो संस्कारों की संख्या प्राचीन समय में कितनी होती थी, तो
प्राचीन समय में संस्कारों की संख्या होती थी 16, जैसे उपनयन संस्कार हो गए, ऐसे ऐसे संस्कार मिला करके प्राचीन जो समय था वहां पे 16 संस्कार होते थे। तो ये संस्कार थे, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे संस्कार नहीं पूछे जाएंगे कौन संस्कार कब परफॉर्म किया जाता था, इतना डीप में नहीं जाएगा आपसे, बस इतना पूछ सकता है कि संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 16 संस्कारों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वह कौन सी रक्त नलिका है जो हृदय से रक्त को लेकर के जाती है। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए हमें पूरा पूरा हृदय का स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सा वेसल्स है जो रक्त को लेकर के हृदय से लेकर के जाती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हृदय की, हृदय में रक्त परिवहन जो होता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम लोग हृदय बना लेते हैं। ओके, तो जनरली हृदय कैसा होता है, ऐसा ही बना लेते हैं, और हृदय ऐसा होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ओके, हृदय कुछ इस टाइप का होता है, जनरली सब लोग ऐसे ही बनाते हैं तो मैं भी बना देता हूँ। तो हृदय जो हमारा है इसके चार चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर। ओके, ये सेंटर है, अगर आप यहाँ से ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला पार्ट राइट होगा, ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा। ओके, ये कौन सा पार्ट होगा, राइट वाला पार्ट होगा। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, हार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, सारे नहीं जितने भी ब्लड सर्कुलेशन से हैं वो सारे क्लियर होंगे। तो ये राइट वाला पार्ट होगा, ये होगा लेफ्ट वाला पार्ट, यानी ये बायां होगा ये दायां होगा। ओके, और ये जो ऊपर दोनों चैम्बर्स हैं इनको आलिंद बोला जाता है, आलिंद इंग्लिश में ऑरिकल्स बोला जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद। और उसके बाद नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इनको निलय बोला जाता है, वेंट्रिकल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट। ओके, यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद। ओके, समझ में आ गया, कहां आलिंद कहां होता है, निलय कहां होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो यहां से जनरली ये देखिए, यहां से ये आएगी सिरा, तो यहां पे क्या होता है, CO2 ब्लड होता है। कौन सा होता है, CO2 ब्लड होता है। CO2 मतलब ब्लड अशुद्ध होता है, इसमें CO2 रहता है। ओके, ब्लड क्या होता है, अशुद्ध होता है, यानी अशुद्ध ब्लड आ रहा है हमारे हार्ट में, अशुद्ध ब्लड आ रहा है। तो कौन लेकर आएगा, अशुद्ध ब्लड किसमें बहता है, तो अशुद्ध ब्लड जो है ये सिरा में। तो ये कौन सा, ये क्या होगा, वेन होगा यानी सिरा होगी, ये क्या होगी, सिरा होगी। अब यहाँ पे राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, तो यहाँ भी कौन सा ब्लड आएगा, अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड आएगा। ओके, इम्प्योर ब्लड आया, तो पूछेगा आपसे दायां आलिंद में कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर यहाँ पर भी आया। अब यहाँ पर एक वाल्व होती है आपके हृदय में, ओके वाल्व होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, सो मैं हिंदी नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको आगे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा बायोलॉजी में पूछा गया, उसमें उसकी हिंदी ही नहीं थी, तो बायोलॉजी में आप हिंदी, इन सब के हिंदी टर्म्स जानकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली हिंदी टर्म ये है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और इससे ये इम्प्योर ब्लड इसमें आ जाता है, इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया। ओके, तो राइट इसमें दाएं आलिंद में और दाएं निलय में दोनों में इम्प्योर ब्लड है। अब इसके बाद ब्लड इधर नहीं जाता है, देखिए यहाँ पे एक जो है धमनी जुड़ी होती है, एक क्या होती है, धमनी। ओके, जिसको आर्टरी बोलते हैं हम लोग, ये जुड़ी होती है और ये जनरली ब्लड को कहां तक ले जाती है, यहाँ पर लंग्स रहता है। ओके, क्या रहेगा, लंग्स, ये लंग्स है, लंग्स तक ले जाएगी। तो यहाँ पर ये CO2 वाला ब्लड है यानी अशुद्ध ब्लड है, तो अशुद्ध ब्लड जब जा रहा है तो ये कौन सी धमनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पल्मोनरी। कौन सी, पल्मोनरी बोलते हैं हम लोग इसे। तो पल्मोनरी जो धमनी है, पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये CO2 अशुद्ध ब्लड, एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त का वाहन करती है पल्मोनरी। अब ये जाएगा, अब आप सबको पता है लंग्स क्या काम करता है, लंग्स ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो लंग्स ब्लड को प्योरीफाई करेगा और अगेन ये ब्लड को कहां भेज देगा, हृदय के पास भेज देगा, ये इस नलिका के द्वारा, ये अगेन यहां पर, लेकिन इसमें नहीं आएगा ब्लड, इसमें आएगा आपके, इसमें बाएं आलिंद में आएगा आपका। ओके, तो ये कौन सी होगी, ये नलिका, इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, यहाँ पे CO2 ये सब हटा दिया, लंग्स जो है सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल तो सब कुछ साफ कर दिया। तो ये जो है ये पल्मोनरी, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ओके, तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट की जो धमनी होती है यानी आर्टरी होती है, ये जो है ये शुद्ध रक्त का वाहन करती है, और जो सीरा होता है ये अशुद्ध रक्त का वाहन करती है। ओके, लेकिन पल्मोनरी वेन में, ओके पल्मोनरी वेन में और पल्मोनरी आर्टरी, ये दो चीज एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। आई होप पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब उसके बाद लेफ्ट यहां पर आया, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यानी
शुद्ध ब्लड आया। अब यहाँ पर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व, ओके, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर ब्लड आया, अब यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यानी O2 ब्लड आएगा। तो इन दोनों में शुद्ध रक्त, इन दोनों में अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पे देखिए एग्जिट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे आपका एक होता है अरोटा, यहाँ पे होता है अरोटा, ये जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अरोटा। क्या बोलते हैं हम लोग? अरोटा बोलते हैं इसको हम लोग। अरोटा के माध्यम से जो है ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे हृदय में आता है, कैसे सर्कुलेट होता है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग और देखते हैं। अब देखिए जो अरोटा जो है ये जब ब्लड को बाहर फेंकता है, ब्लड को क्या करेगा, जब ये बाहर फेंकेगा तो एक आवाज आती है। जनरली सब लोग कहते हैं दिल की आवाज धक धक होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत बातें हैं। दिल जो आवाज करता है, कभी कभी पूछ लेता है, दिल की जो आवाज करता है वो लब और डब की आवाज करता है। कौन सी आवाज करता है? लब और डब की। जब बाहर अरोटा फेंकेगा ब्लड को तो लब की आवाज आती है, और जब अरोटा अंदर आएगा, जब वो विश्रामावस्था में रहेगा, तो डब की आवाज आती है। ओके, तो ये हृदय की आवाज है, आप इसको इसको पहचानिए। ओके, तो ये हृदय की आवाज है, ना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा हृदय की आवाज तो आप धक धक लगा करके आएंगे, तो वहां पे क्या आएगा, लब डब, इसकी ये आवाज करता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर कभी हृदय में कुछ गड़बड़ी आ गई या जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया इसमें कोई गड़बड़ी आ गई, तो वो क्या, तब कैसा आवाज करने लगेगा हृदय, आपका मरमर का आवाज करने लगता है। कौन सा आवाज? मरमर की वॉइस करने लगता है हृदय। तो आई होप हृदय के बारे में ये सारा आपको क्लियर होगा। वी आर फोर चैम्बर्स होते हैं हृदय में, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था। ओके, तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, कौन सी रक्त नलिका जो हृदय से रक्त को लेकर जाती है। हृदय से रक्त को लेकर कौन जाएगा, हृदय से अब रक्त गया तो शुद्ध रक्त होगा, तो शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है, धमनियों में होता है, आर्टरी में होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धमनी यानी आर्टरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये है जमेटो, जमेटो के बारे में पूछा है। तो आप लोग जमेटो के बारे में जनरली सब लोगों को पता होगा, जमेटो क्या है, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो वो जनरली है जमेटो। तो आई होप जमेटो के बारे में आपको मुझे बताना ना पड़े, तो ये आपका जमेटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर। क्वेश्चन को मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप हर वीडियो में कमेंट करते हो कि सर जूम नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये ऐसे जूम होता है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। पूछ रहा है व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो इसमें जनरली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सही आंसर देखने के लिए ये चंद्रशेखर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंद्रशेखर। इन सभी प्रधानमंत्रियों में अगर हम देखेंगे तो चंद्रशेखर जी का सबसे शॉर्ट टेन्योर था। ओके, सबसे शॉर्ट कार्यकाल जो था वो चंद्रशेखर जी का था, और सबसे कम पूछेगा। और अगर आपके ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी है तो उनका होगा 13 दिन का उनका कार्यकाल था, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछ लिया था। यहाँ पे पूछता है तो ऑप्शन में देता है, यहाँ पे पूछेगा तो आपको ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जी जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलाइज ऑफ कुछ रिलीजन आर फाउंड एट एलोरा, एलोरा में कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको जूम कराता हूँ। ऑप्शन में दिया है कि एलोरा में कौन से धर्म की जो गुफाएं पाई जाती हैं, ऑप्शंस में जो है देखिए ये दो ऑप्शंस देखिए, इसी में से कोई सही है, जैन की, हिंदू, बौद्ध जैन। तो एलोरा जो है एक्चुअली, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। ओके, तो एलोरा के बारे में देखते हैं। एलोरा जो है, एलोरा में एक्चुअली कैप्स हैं, और यहां पे जैन के, हिंदू के, और उसके बाद बुद्ध के, ओके, तीनों धर्म की गुफाएं पाई जाती हैं एलोरा में। टोटल अगर कैप्स पूछेगा आपसे तो 34, टोटल 34 गुफाएं हैं एलोरा में। कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 जो है, 17 कैप्स जो है ये हिंदू धर्म के लिए हैं, 12 कैप्स जो है ये हैं ये आपकी जैन धर्म के लिए हैं, और 5 जो है ये आपकी बुद्ध धर्म के लिए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। एलोरा कितनी कैप्स? 34,
17 आयाम सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए है, उसके बाद जैन, उसके बाद बुद्ध के लिए। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। क्वेश्चन को जूम करता हूं मैं और आपको दिखाता हूं। ओके, कह रहा भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां ली। ओके, तो ये जनरली सबको क्वेश्चन पता होगा, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आप लोगों को कि भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां ली। ओके, तो देखिए भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में मैं यहां आपको बताता हूं। देखिए पहला प्लेस जो है जहां उन्होंने जन्म लिया वो थी लुम्बिनी। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वो क्या थी? लुम्बिनी, लुम्बिनी। ओके, लुम्बिनी में इन्होंने जन्म लिया। जन्म के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हम कह सकते हैं, तो वो हुआ था बोध गया में। कहां हुआ था? बोध गया में हुआ था। उसके बाद पहला उपदेश कहां दिया इन्होंने? तो सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। थर्ड कहां पर मरे? तो कुशीनारा, कुशीनगर, कुशीनारा इसी को बोलते हैं, तो यहां पर मरे। तो ये चार स्थान भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर, द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं? ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको। ओके, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था तो इसको देख लीजिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन छूट गया था आपका। ये है वृंदावन उद्यान के बारे में। वृंदावन उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। आपको इतना याद रखना है, वृंदावन उद्यान के बारे में आप ज्यादा मत जानिए। आपको कमेंट बॉक्स में अगर हो सके तो आप बताइएगा कर्नाटक में कौन कौन से अभयारण्य है, उद्यान है, ये सब आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वृंदावन उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, मैं यहां पे जूम नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से हैं। ब्रिक्स एक संगठन है और इसके सदस्य देशों के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रिक्स एक संगठन है, तो बात है 2006 की। कहां की? 2006 की बात है। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तभी ब्रिक्स नहीं था, तभी ब्रिक था। क्यों ब्रिक था? क्योंकि यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, यही चार कंट्रीज थी, यही चार कंट्रीज थी, तब इसका नाम ब्रिक पड़ा। तो 2006 की बात है, लेकिन 2011 आते आते इस पे एक और कंट्री को जोड़ दिया गया, जो कि कौन सी है? वो है साउथ अफ्रीका। कौन सी है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इसलिए ब्रिक्स से क्या हो गया, ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ओके, तो स्थापना कब हुई? 2006 में, 2011 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। तो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, इसलिए इनका नाम इस पर कर दिया गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया देयर इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन। मैं जूम करता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए, तो जूम करके देखते हैं। कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया देयर इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैंने जब प्लानिंग में आपको पढ़ा रहा था, तो पहले और दूसरे प्लानिंग में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया था कि कहाँ कहाँ किस किस आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है। इसमें देखिए पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये पूछ रहा है। ओके, ये दिशा के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं तो जनरली मान लीजिए इंडिया का मैप है। ओके, ये इंडिया का मैप आप लोग मान लीजिए, तो ये जो है ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है, ये वेस्ट का पार्ट है। ओके, वेस्ट मतलब पश्चिम का पार्ट है, ये पूर्व का पार्ट है, ईस्ट का पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। तो जनरली मैंने आपको जितने भी एलॉय इस्पात या आयरन स्टील ये सब इंडस्ट्रीज बताई थी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। जितने भी आपको भिलाई, राउरकेला, जितने भी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन है। विजयनगर, सलेम, ये सब यहाँ पर भी हैं, लेकिन जनरली जो थे वो यहाँ पर हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ईस्ट पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ईस्ट। ऑप्शन में अगर दिया होता कि दक्षिण पूर्व तो हम लोगों को सोचने की जरूरत थी, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ ईस्ट है, तो हम लोग ऐसे ही क्या मानेंगे? पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न रीजन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थापित है। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको जूम करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या था पूरा माजरा। क्वेश्चन है किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, किस सिख गुरु की। तो इनमें से जो गुरु अर्जुन देव थे इनकी हत्या जो है ये मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। ओके मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। चलिए देखते हैं किस लिए की गई थी। ओके हत्या तो की गई थी लेकिन आपको जानना है किस लिए की गई थी। तो किस लिए की गई थी, एक्चुअली अर्जुन देव के बारे में हम पहले जानते हैं, अर्जुन देव। ओके ये रामदास जी के बेटे थे, रामदास जी के तीन बेटे थे। पहला सबसे बड़ा जो था वो प्रीतिचांद था, दूसरा महादेव था। महादेव सन्यासी टाइप का आदमी था, उसे किसी चीज से मतलब नहीं रहती थी, तो उसने सब कुछ त्याग दिया कि मुझे थ्रोन ये सब नहीं चाहिए कुछ भी। सबसे छोटे बेटे थे अर्जुन देव, इसलिए इनको गुरु बना दिया गया। ओके तो अर्जुन देव थे पांचवे सिख गुरु, फिफ्थ सिख गुरु थे, और इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल की स्थापना की। ओके गोल्डन टेम्पल इसकी स्थापना की इन्होंने, ओके गोल्डन टेम्पल की स्थापना की, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ लिखा। आदि ग्रंथ का संकलन किया, लिखा नहीं। आदि ग्रंथ क्या है, तो जनरली इससे पहले जो भी गुरु थे वो कुछ भी बोल बाल के चले जाते थे, उनको उससे कुछ मतलब नहीं रहता था। तो इन्होंने जितना जो भी पहले के गुरुओं ने बोला था उसका संकलन, उसको कंपाइल कर दिया। और इनको मारा किसने था, तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। अब क्यों करवाई थी ये हम लोग जानते हैं। एक्चुअली क्या था ना, जहांगीर की जब अकबर की डेथ हो गई तो जहांगीर के चार बेटे थे, उसमें से एक था अमीर खुसरो। ओके सॉरी अमीर खुसरो नहीं था, सॉरी ये तो कभी थे, खुसरो मिर्जा था। खुसरो मिर्जा नाम का इनका एक बेटा था। ये काफी ज्यादा उस समय तख्ते के लिए, जो भी कहते हैं थ्रोन के लिए लड़ाई होने लगी, तो खुसरो मिर्जा था। तो ये लड़ाई करते करते अमृतसर पहुंचा और इसने अर्जुन देव जी से आशीर्वाद लिया, और अर्जुन देव जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भाव। तो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ये जो जहांगीर था बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एट लास्ट में क्या हुआ, खुसरो मिर्जा हार गया। उसके बाद जहांगीर ने इनको बुलवाया और काफी ज्यादा इस्लाम कबूल करने सब करने की बातें की, और उसके बाद इनको मार दिया गया। इनको क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, अर्जुन देव को मार दिया गया। ओके अर्जुन देव को मार दिया गया। इसके ये थे अर्जुन देव, ये पांचवे गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे, पांचवे गुरु थे, गोल्डन टेम्पल की स्थापना, आदि ग्रंथ, और इन्होंने इनको जहांगीर ने मारा था, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु फाउंडेड द एनिशियन नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की बात आ जाएगी तो कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये बिहार में है, प्राचीन में शिक्षा का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था ये कुमारगुप्त। इनको शुक्रादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके शुक्रादित्य के नाम से जानते हैं। ये गुप्त वंश के शासक थे, किस वंश के थे, गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है शुक्रादित्य, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, शुक्रादित्य सही आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोल इज फॉर्म ऑन, कोल कहाँ पर, कोल का निर्माण कहाँ पे होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोल का निर्माण कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो जनरली कोल जो है ये ओके ऐसी आकृतियां होती हैं, और बीच में यहाँ पर ये जो एरिया होता है यहाँ पे कोल का निर्माण होता है। तो कोल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन के साथ देखेंगे, तो टू लो एंड वन हाई एरिया प्रेशर, टू लो एंड वन हाई, दो निम्न और एक उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होगा उसी के बीच में जो होगा वो कोल का निर्माण होगा। ओके तो आपको याद रखना है कोल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिटवीन टू लो एंड वन हाई प्रेशर एरिया, बिटवीन टू लो एंड वन हाई प्रेशर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि जो भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी जो है इनका इनको कौन नियुक्त करता है। ओके चलिए देखते हैं हम चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनको इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट करते हैं। इनके टेनियर के बारे में यानी हम कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, तो 6 ईयर का इनका टेनियर होता है, 6 ईयर या 65 ईयर। अब ये क्या होता है 60 ईयर या 65 ईयर, जैसे कोई भी इंसान 62 साल का है उसको हमने अपॉइंट कर दिया कि भैया आप मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हो आज से,
तो वो 62 साल का है, लेकिन 3 साल बाद वो 65 का पूरा हो जाएगा। तो उसको हम लोग 6 साल, ये वाला 6 साल वो पूरा करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 65 का पूरा हो गया तो उसको हम लोग रिटायर कर देंगे। तो पहले या तो 6 साल पूरा कर ले या तो अपनी उम्र पूरा कर ले 65 साल। तो ये चीजें हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 6 साल और 65 साल उसका क्या होता है, 10 ईयर होता है। और जितना भी निर्वाचन आयोग में मेंटेन करने का काम होता है यही होता है। इस समय कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय, दंत क्षरण किससे होता है। तो जो बैक्टीरियाज लगती है हमारे दांतों में एक बैक्टीरिया लगती है और वो जो है एसिड सेक्रिएशन करती है, यानी जो अम्ल है उसका श्रवण करती है। तो इसी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है वो एक एसिड को निकालती है, इसी वजह से क्या होता है हमारे दांतों का क्षरण होता है, यानी दांत कटने, आप देखे होंगे कभी कभी दांत यहाँ से कट जाते हैं, तो वो है इसके कारण होता है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में हम जानते हैं, क्वेश्चन है। तो जनरली यहाँ अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो टेलीग्राम में क्वेश्चन हम लोग शेयर कर देंगे, आप वहां से क्वेश्चन को देख के यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है बच्चा ब्लूइश कलर का दिखने लगता है, यानी नीला दिखने लगता है। ओके, ब्लूइश कलर मतलब बच्चा नीला दिखने लगेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है ये तो हम इसको जानेंगे। तो जो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसमें नाइट्रेट जो है इसकी अधिकता हो जाती है बच्चों में, क्या होती है, ये छोटे बच्चों को होता है एक्चुअली, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम करते हैं। और बच्चे का जो ये फेस है ये नीला दिखने लगता है, तो ये नाइट्रेट होता है एक पदार्थ, नाइट्रेट की जो विषाक्तता हिंदी में कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेट पॉइजनिंग, ये हो जाता है तो बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चा नीले कलर का दिखने लगता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम व्हिच ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हिंदी मीडियम, हिंदी में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी एक्चुअली जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए मेन क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली इसमें पूछा है अल्जाइमर डिसीज के बारे में और दोनों ही एक दे दिया, यानी डायमेंशिया, हिंदी में इसने पागलपन दिया ही नहीं, डायमेंशिया का मतलब होता है पागलपन, तो पागलपन दे लेता तो हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर हिंदी में भी वही दे रखा है, इंग्लिश में भी वही दे रखा है। तो जनरली डायमेंशिया का मतलब होता है पागलपन। अगर आपने गजनी मूवी देखी होगी तो आप अल्जाइमर अच्छे से जानते होंगे। तो जो लोग भी भूल जाते हैं किसी भी चीज़ों को बार बार, तो उसको अल्जाइमर बोलते हैं। दिमाग से रिलेटेड यानी न्यूरॉन से रिलेटेड डिसीज है, चीज़ों को भूलने की जो बीमारी है अल्जाइमर है। आजकल बहुत लोगों को होती है अल्जाइमर, तो चीज़ों को जो बार बार भूलता है उसको अल्जाइमर होती है, और ये एक डायमेंशिया यानी पागलपन का प्रकार है। क्या है, इसका मतलब होता है हिंदी में पागलपन। तो आप लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म एक ही तरीके से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट मानसून सामान्यतः निम्नलिखित में से किस महीने में आता है, किस महीने में आता है। तो इसका सही आंसर है जून से सितंबर, लेकिन कैसे आता है तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, मानसून देखते हैं हम लोग। ओके, मानसून हम लोग देखते हैं, तो ये भारत का निचला पार्ट है, ये भारत का निचला पार्ट है, आप लोग ले लीजिए। ओके, तो मानसून इधर से आता है, ये अरब सागर, इधर से मानसून आपका आएगा। ओके, ये मानसून आपका आया और ये मानसून आएगा, ये मालाबार कोस्ट है, यहाँ से मानसून, आई होप आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये इस साइड से आएगा, ये केरल की साइड है, क्या है, केरला, कौन सा है, केरला। तो केरला में आएगा सबसे पहले, ये इस साइड से ये यहाँ पे टकराएगा, और यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु के पास में, कौन सी पहाड़ी है, कार्डेमम है, इधर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इधर जो है इधर पश्चिमी घाट है, इधर क्या है, पश्चिमी घाट है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो टकराएगा तो ये दो भागों में पहली बात तो बढ़ जाएगा, एक इधर का जिम्मेदारी लेगा बारिश कराने का, इधर का जिम्मेदारी लेगा। तो ये जो यहाँ पर आएगा ये जनरली आता है जून से सितंबर के बीच में, जून से सितंबर के बीच में आता है। तो ये है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ये आया जून से सितंबर के बीच में, और उसके बाद ये बारिश कराएगा सबसे पहले कहाँ पर, तो केरल के तट पर ये सबसे पहले बारिश कराएगा, कहाँ पे कराएगा, केरल के तट पे सबसे पहले बारिश कराएगा। उसके बाद आप लोगों को बताना है क्या ये तमिलनाडु में भी बारिश कराएगा, नहीं कराएगा, क्योंकि ये पहाड़ियां जो है ये तमिलनाडु को घेरे हुए हैं, तो तमिलनाडु शैडो एरिया में आ जाएगा। ओके, शैडो मतलब इसको वृष्ट छाया क्षेत्र बोलते हैं, तो उस एरिया में आ जाएगा, तो तमिलनाडु को रेन नहीं होगी, मिलेगी 20% रेन मिलेगी, लेकिन उसको हम लोग भूगोल में नेगलेक्ट ही समझते हैं, क्योंकि नहीं है, मानते हैं ये वृष्ट छाया क्षेत्र में आ जाएगा, तो इसके पास से ही गुजर रहा है पानी, लेकिन इसको नहीं मिल रहा है। तो केरल सबसे ज्यादा वर्षा,
रिसीव होगी इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले होगी, उसके बाद ये मानसून आके इंडिया में सब बारिश कराएगा और ये इधर से एंट्री मार के पूरा बारिश कराएगा पूर्वी यूरोपीय साइड में। और यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे आरावली जो मिल जाएगी, आरावली श्रेणी जो है ये मिल जाएगी, इसी वजह से क्रास नहीं कर पाता, लौट आता है तो राजस्थान में भी बहुत कम वर्षा होती है। ओके, फिर तमिलनाडु में किससे वर्षा होती है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। तो आई होप साउथ वेस्ट मानसून आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाया और आपको आई थिंक समझ में भी आया होगा। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, हम ये और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए बेचू पाठशाला को अगर आप तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।